दिस इज रुचिशा, वेलकम टू द किचन निंजा। आज की जो डिश है वो है चॉकलेटी चॉकोबार। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। चॉकलेटी चॉकोबार बनाने के लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो है मिल्क पाउडर, कॉर्नफ्लावर, मिल्क मेड, वेनिला एसेंस, डार्क चॉकलेट। एक पैन में मैंने 2 कप मिल्क पाउडर लिया है। मैंने अभी तक फ्लेम ऑन नहीं की है। 4 टेबलस्पून इसमें हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। अब इसमें हम 2 कप जितना पानी ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम अभी भी मैंने ऑन नहीं किया है। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे हम कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे जब तक कि ये थोड़ा थिक ना हो जाए। अब इसमें बॉईल आने लगे हैं। अब इसमें हम कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। जब तक इसमें बॉईल नहीं आता है हमें इसे कंटिन्यू स्टर करते रहना है। अब मिल्क में बॉईल आ चुका है। अब हम इसे ऑफ कर देंगे फ्लेम को। अब इस मिक्सचर को हम छान लेंगे। अब इसे हम कंप्लीटली रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून जितना वेनिला एसेंस ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से मैंने आइसक्रीम के मोल्ड्स लिए हैं। अब इसमें हम हमारा मिक्सचर ऐड करेंगे। अब इसको हम एल्युमिनियम फॉइल से कवर करेंगे। अच्छे से एक हल्का सा स्लिट करेंगे। आइसक्रीम स्टिक ऐड करेंगे। सारे मोल्ड्स में हम इसी तरह से आइसक्रीम डाल के रेडी कर देंगे। सारे आइसक्रीम्स मैंने रख दिए इस तरीके से। अब इसे हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे 8 घंटे तक। अब इस डार्क चॉकलेट को हम मेल्ट करेंगे। आप इसे ओवन में 30 सेकेंड के लिए रख सकते हो या तो फिर आप डबल बॉयलर करके भी इसे मेल्ट कर सकते हो। यहाँ मैंने डार्क चॉकलेट ली है। अच्छे से मेल्ट हो चुका है। आइसक्रीम को हम इस सिरप में डिप करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक कांच का ग्लास लिया है। इसमें हम मेल्टेड चॉकलेट डाल देंगे। मैंने मेल्टेड चॉकलेट इस तरह से ग्लास में ले ली है। 8 आवर्स हो चुके हैं और हमारी आइसक्रीम भी अच्छे से फ्रीज हो चुकी है। अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। एक पॉप्सिकल लिया है मैंने यहाँ पे। अच्छे से इसे हम दोनों हाथों के बीच में रब करेंगे। आप चाहो तो हल्के से गर्म पानी में भी इसे डाल के आप अच्छे से इजीली रिमूव कर सकते हो। जब आप आइसक्रीम को इसमें ऐड करोगे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारी ये जो चॉकलेट है वो ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज हमारी आइसक्रीम जब आप उसमें डिप करोगे तो मेल्ट हो जाएगी। बहुत ही इजीली हमारी आइसक्रीम डीमोल्ड हो चुकी है। इसे हम ये मेल्टेड चॉकलेट में डिप कर देंगे। इस तरह से हम इसमें डिप करेंगे और अच्छे से कोट कर देंगे। आइसक्रीम को मैंने चॉकलेट बार में डिप करके 5 मिनट इसे फ्रीजर में रख दिया था और हमारी चॉकोबार आइसक्रीम रेडी है खाने के लिए।